क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई कीजिए। एक मैन ने डिपॉजिट किए रुपीज 400 टू इयर्स के लिए, 550 किए फोर इयर्स के लिए, 1200 किए सिक्स इयर्स के लिए, और तीनों से मिला के उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1020 मिलता है। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो आप यहाँ से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू 1020 लिख सकते हो, क्योंकि तीनों बेस से उसको मिला के इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल इतना। और इंटरेस्ट वन निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, पीआरटी अपॉन 100। तो हर केस में प्रिंसिपल चेंज है, रेट तीनों में सेम रहेगा। ये सारा मिला के किसके इक्वल आना चाहिए, 1020 के। ट्राई करिए मेरे को इसका आंसर बताइए। हंड्रेड 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 सब में से कॉमन है, या तो हंड्रेड आर अपॉन हंड्रेड कॉमन ले लो, जीरो से जीरो भी काट सकते हो। याद आएगा फोर टू जा एट आर प्लस, इसकी जीरो से जीरो काटोगे, 55 का डबल होता है 110, 110 का डबल 220, तो 220 अपॉन 10 कटिंग कर दो इसकी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 11 जा 11, 2 जा होता है 22 आर। अब ये वाले 100 से ये वाली जीरोस कट, 12 6 जा कितना होता है 72 आर। तो सबको मिला के हमारे पास कितना आ रहा है 1020, आर की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, 22 और 8 होता है 30, 30 प्लस 70 कितना होता है 102 आर, 10% आंसर आ जाएगा। साइंस समझ में आ रहा बेटा, इजी है ये वाला क्वेश्चन। समृद्ध गगन क्लियर है आपको? चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अ मैन लेंट आउट सम मनी ऑफ 10,000 रुपीज एट एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम एंड रेस्ट एट 10% पर एनम। इफ ही गॉट 980 एज एन इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, देन फाइंड द अमाउंट लेट एट 8%। एक पर्सन है, देखिए उसके पास 10,000 रुपीज थे, उसने कुछ अमाउंट को 8% पे इन्वेस्ट किया और कुछ अमाउंट को 10% पे इन्वेस्ट किया। अमाउंट नहीं पता, बता नहीं रखा कि कितने पैसे 8% पे लगाए कितने 10 पे। उसको क्या मिलता है एक साल के बाद 980 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है। आपको बताना है कि 8% पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। दोनों से मिला के इंटरेस्ट मिलता होगा 980, लिखा नहीं है बट मिलता, उसमें आफ्टर 1 ईयर लिखा है ना, आउट ऑफ बोला है ना यहाँ पे, आउट ऑफ का मतलब 10,000 में कुछ पार्ट 8%, रेस्ट पार्ट बचा हुआ पार्ट 10% पे दे देता है।
ऑप्शंस के भी कर सकते हो आप इसको, ऑप्शन से बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप 1000 लेट करो तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 9000, तो फिर टोटल उसके पास पैसे 10000 थे, तो 1000 पे 8% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80 रुपीस। यहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलेगा 80, यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा 900, तो 900 प्लस 80 बन गया 980। पहला ही आंसर है, समझ में आया या नहीं? देखिए 10000 रुपीज थे उसके पास, पहले वाले कुछ अमाउंट को उसने 8% पे दिया, कुछ अमाउंट को 10 पे दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हमसे पूछा है कि 8% पे कितने पैसे दिए थे, तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसको पुट कर करके इंटरेस्ट निकाल के देख लीजिए, जिसको ऐड करके 980 आ जाए वो हमारा आंसर है। अब पहले वाले इंटरेस्ट से 80 रुपीज मिल रहे हैं, दूसरे वाले से 900 मिल रहे हैं, और दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आ रहा है, 980। हाँ जी समृद्ध बोलिए बेटा। मैम मेरे को ये तो समझ आ गया 80 कैसे निकाला, लेकिन आपने 90 कैसे निकाला? 90 नहीं 900, 1000 उसने 8% पे दिए थे ना, उसके पास टोटल 10000 रुपए थे, 1000 उसने 8% पे दे दिए, 9000 बचते उसने किस पे दिए होंगे, 10% पे, तो 9000 का 10% निकालेंगे, 9000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 900 आ रहा है ना, तो दोनों इंटरेस्ट मिला के देखो क्या 980 बन रहा है, नाइन ओके मैम। एटी चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया अभी। 1000 रुपीज को उसने टू पार्ट्स पे दिया है, पहला दिया है 8% पे, दूसरा दिया है 10% पे, दोनों के वो निकालने हैं प्रिंसिपल की कितने कितने दिए। अगर एवरेज एनुअल इनकम 9.2% है, एवरेज मतलब दोनों को डिवाइड करके टू से, तब 9.2 आ रहा है, तो इसका डबल कर दो, 9 2 18 कैरी 1, 9 9 81 और 1 89, मतलब उसको दोनों से 898 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे 38 किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना 1000 को, फर्स्ट पार्ट है 8% पे, दूसरा पार्ट है हमारा 10% पे, तो उसको 89.8 इंटरेस्ट मिलना चाहिए दोनों से मिला के। आप प्रिंसिपल चूज कर लेना कौन सा सही ऑप्शन होगा वो बता देना। देखिए 400 के हिसाब से 4 8 जा होता है 32, यहाँ से उसको 32 इंटरेस्ट मिलेगा, और 600 वाले से उसको 60 मिलेगा, तो 60 प्लस 32 कितना बन रहा है, 92। यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से, 92 ही बनना चाहिए क्योंकि 9.2% लिखा ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।